प्रदूषण को जो है ना इस वक्त अभी हम शिफ्ट कर रहे हैं, तूफान आया हुआ है और आराम से बहुत खराब है, ठंडी हवा चल रही है और इसका तो बिना गर्म हो जाएगा, क्योंकि देखें आप कैसे हिल रही है, ये देखें इस वक्त क्या हाल हुआ है, सारी तबाहियां फेर दी हैं, बहुत मुश्किल हो गया है यार, ये देखें ये कैसी हिल रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यार अभी मैं छत के ऊपर आया हूँ, देखें क्या होगा। कल आपको पता है कि हमने जो है वो ग्रीन शीट अपनी लगाई थी, बट ये देखें क्या हो गया जनाब, ये हो गया है रातों रात, देखें टूट गया भाई जान। ये देखें हमने बांस लगाया था, एक तो डबल बांस लगा हुआ था ये देखें, और एक बांस रह गया, वो तो एक जो है वो बांस टूट गया, एक बांस साबुत है बट उसने जो है ना उखाड़ के रख दिया उसको, वो देखें क्लिप अगर आपको नज़र आ रहे होंगे। तो यार ये इतनी ऊंचाई के ऊपर ना ये सबसे बड़ा जो है ना नुकसान है, क्योंकि हवा इतनी तेज़ चलती है और सब कुछ जो भी लगा होता है, पहले भी हमने वो शीट लगाई थी अपनी फ्लैट शीट उसको उखाड़ दिया था, और अभी जो हमने ग्रीन शीट लगाई तो इसको भी उखाड़ दिया है। इसको आसरा दिया हुआ इससे, लेकिन इसमें यह है कि अभी ये अकेले बंदे का काम नहीं है, अभी शाम को फिर जब भाई आएगा तो फिर इसको देखेंगे और फिर इसको ड्रिल मशीन के साथ दोबारा पक्का करने की कोशिश करेंगे, तब तक के लिए ये ऐसे ही रहेगा यार। हाँ जी क्या हो गया यार, ठीक हो जो यार, इतनी खिदमत कर रहे हैं आपकी, इंजेक्शन लगा रहे हैं, दवाई शवाई दे रहे हैं, बट आप ठीक ही नहीं हो रही यार। इसको पता नहीं क्या हुआ है, सब कुछ कर लिया बट ये अपने वहाँ पे खड़ी ही नहीं हो रही है। इसको रोजाना मुझे हैंड फिट करवानी पड़ती है, हाथ से खिलाना पड़ता है, पिलाना पड़ता है, इंजेक्शन भी लगा रहा हूँ, मेडिसिन भी दे रहा हूँ, पर फर्क कुछ नहीं पड़ रहा। आज हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, सबको जो है ना पैक किया हुआ है, मुर्गियाँ हमने अभी तक खोली नहीं है, मुर्गियों को जो है ना वो खोल लेते हैं। मुर्गियों को खोल देते हैं एक दफा, आ जाओ। अंडा शंडा दिया कोई कि नहीं दिया है? अभी नहीं दिया, अभी दाना मांग रही है, इनको दाना डाल देता हूँ पहले मैं। लीजिए माशाल्लाह से दाना डाल दिया मुर्गियों को, खरगोश मेरे भूखे हैं, कल के भूखे हैं, लूसन कल ख़त्म हो गया हुआ था, वो देखें कुछ भी नहीं है खाने को। हाँ जी कैसे हो, ठीक ठाक हो? खाना नहीं है आपका? खाना लेके आया हूँ, अभी आपका खाना डालता हूँ आपको, ठीक है? ये इनका लूसन है, खरगोशों को जो है इसका लूसन डाल दिया, देखें मजे से खाने में मसरूफ हो गए हैं, खाओ खाओ खाओ, इनको भी डाल दिया, ये भी मगन है, बाकी सबको हमने डाल दिया हुआ है, सबका पेट शेट भरा हुआ है। ओ माशाल्लाह 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 यार, ये देखें खड़ी हो गई अपने पाँव पे, और नहीं खड़ी हो जा खड़ी हो जा, यार आपने चेक किया खड़ी हो गई थी यार, तकरीबन तीन दिन बाद मैंने इसको खड़े होते हुए देखा है, माशाल्लाह इम्प्रूवमेंट हो रही है। अभी आपको मैं हैंड फिट कराता हूँ, देखें यार ये थोड़ी सी मेहनत ही होती है, मुझे अब इसको हैंड फिट करानी पड़ेगी, आज इसको इंजेक्शन भी हमने लगाना है तो, लेकिन ये है कि खड़ी हुई है अपने पाँव पर, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी, माशाल्लाह से यार। ये देखें इसको मैंने थोड़ी सी भी हैंड फिट कराई है तो ये खड़ी हो गई है, ये देखें माशाल्लाह, और चलना भी इसने स्टार्ट किया माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो 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 आ जाओ चल के आ जाओ, ओ यार फिर बैठ गई है। दोस्तों आपने देखा ये चली है थोड़ी सी ना, तो देखें इस पर मेहनत जो है वो रंग लेके आ रही है, तो इंशाल्लाह अभी और मेहनत करेंगे और ये और ज़्यादा ठीक हो जाएगी। ये देखे जी माशाल्लाह माशाल्लाह खुद से खा रही है, देखें अब माशाल्लाह ये ले ले माशाल्लाह 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 खुद से खाना शुरू हो गई है। चलो चलो ये लो शाबाश शाबाश, ये देखें खुद से खा रही है माशाल्लाह माशाल्लाह, खुद से खाना भी इसने शुरू कर दिया, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब ये ठीक हो जाएगी। मैंने इसको जो इंजेक्शन है वो भी लगा दिया, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगी और अपने साथियों के साथ जो है ना वो घूमने फिरने लगेगी, तो मैं बस उस दिन का वेट कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। यार बारिश वाला देखें मौसम बना हुआ है फुल, और इनको मैं खुला छोड़ के नहीं जा सकता, खिला पिलाया हुआ है इनको सबको, और अभी इनको जाना मैं बंद करूँगा,
बंद करके और फिर मैं अभी निकलूंगा अपने काम के लिए। इनको खुला छोड़ के नहीं जा सकता भाई, वो बड़ा खतरनाक काम है। बारिश आ गई तो बड़ा ही सारा ही काम तो जो है तबाह हो जाएगा। अभी भी मैं छत के ऊपर आया और सारी तबाही फिर गई। इतनी तेज आंधी और बारिश और तूफान आ गए। देखिए कितनी तेज हवा अभी भी चल रही है और सारा कुछ जो है ना तहस नहस करके रख दिया। मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ, ये देखे सब कुछ जो है ना यहाँ पे टूट गया है। ये जगह इतनी तेज यहाँ पे आंधी आई है, ये सारा टूट गया है। इधर से ये देखें, ये भी टूट गया है, वो भी टूट गया है। ये देखें खरगोशों के अंदर पानी चला गया। बर्ड्स तो खैर हमने निकाल लिए हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ पे भी देखें सारा पानी चला गया। और ये देखें बहुत बुरा हाल हो गया जी। हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही है कि खड़ा नहीं हो जा रहा और फुल ठंड लग रही है इस वक्त। तो हमने सारे बर्ड्स को जो है वो नीचे शिफ्ट कर दिए। मैं आपको जाके वो भी दिखाता हूँ कि हमने कहाँ पे शिफ्ट किया। अभी ये खरगोश रह गए, यहाँ पे भी पानी है तो मैं सोच रहा हूँ कि इनको भी निकाल लूँ। तो मैं इनको भी निकालता हूँ और इनको भी कहीं और शिफ्ट करता हूँ। तो वो हो गया, मैं बड़ा काम खराब हुआ है। खरगोशों को यहाँ से निकाल लेते हैं यार। ये देखो ये सारी काम खराब है। दरवाजे में देख क्या हाल हुआ मेरा। खरगोशों को जो है ना इस वक्त अभी हम शिफ्ट कर रहे हैं। तूफान आया हुआ है और आराम से ये देखिए जी, छोटे बच्चों को यहाँ से हमने निकाल लिया। अभी छोटी खरगोशों को हमने यहाँ पे जगह छोड़ दी है क्योंकि वहाँ सारा काम खराब हो गया था। तो अभी जो है ना वो इनको यहाँ पे शिफ्ट किया हमने। ला अभी इनका खाना ले आओ, थोड़ा सा इनका खाना जो है यहीं पर इनको डाल देते हैं, ताकि खाना छाना हमने इनको डाल दिया ताकि अपना इंजॉय करता रहे क्योंकि बाहर के हालात तो बहुत खराब है। ओए 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 यार, इतनी तेज हवा चल रही है इस वक्त। खरगोशों को हमने जो है वो वहाँ पे छोटी फौज के डरने में बंद कर दी। छोटी फौज को हमने वहाँ से निकाल ली क्योंकि भाई सूरत हाल बहुत खराब है इस वक्त। ठंडी हवा चल रही है, बर्ड्स का तो बिना गर्म हो जाएगा क्योंकि देखें आप कैसे हिल रही है। ये देखें इस वक्त क्या हाल हुआ है, सारी तबाहियाँ फेर दी हैं, बहुत मुश्किल हो गया है यार। ये देखें ये कैसे हिल रही है, कितनी तेज हवा है, आप आइडिया लगा लें। और हमारा सब कुछ तोड़ फोड़ के रख दिया है इसने यार। खैर अब करेंगे जो करना होगा, सुबह उठते हैं और फिर देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। इतनी तेज हवा में कुछ भी नहीं हो सकता इसमें। जी अभी हमने अपनी मुर्गी को भी खिला पिला दिया, पानी शानी भी पिलाया और काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है अभी। तो अभी यहाँ पे हमने इसको बंद किया हुआ है। अभी इसकी भी मज़ीद कंडीशन क्या है वो आपको सुबह दिखाएंगे। तो इस वक्त हालत बड़ी ख़राब हो रही है हमारी भी और बाहर भी तूफान भी आया हुआ, ठंडी हवा चल रही है। तो अभी जो है ना बस इसको खिला पिला के हम बंद करते हैं। बाकी इसकी तबीयत कैसी है और कितना इम्प्रूवमेंट हुआ मैं सुबह मैं आपको दिखाऊँगा। The next day. ये देखें जी, रात को जो है ना यहाँ पे बंद किए थे हमें, एक जोड़ा यहाँ पे बंद किया हुआ है, इनको यहाँ पे बंद किया हुआ है, इनको हमने बेचारों को यहाँ पे बंद कर दिया था क्योंकि तूफान बहुत ज़्यादा था। इन बेचारों को हमने यहाँ पे बंद कर दिया। तो अभी बाहर धूप निकल रही है तो अभी इनको धूप में बंद करते हैं बाहर। अच्छा तो रात को यार आपने देखा था ये कितना ज़्यादा तूफान आया हुआ था और अभी मैं दोबारा छत के ऊपर आया हूँ, सुबह का टाइम है। और देखें कि जी
रात को आपको सही से नजर नहीं आ रहा था क्या तबाहियाँ फिरी हुई हैं। वो देखिए, वो जो हमने ऊपर अपना तरपाल बांधा था वहाँ जो उसकी रस्सी टूट गई है, वो मैंने आपको दिखाया था कि पूरा बांस ही टूट गया है। ये देखें, ये सारा ऊपर से इसका बेड़ा गर्क हो गया, अंदर पानी चला गया, खरगोशों के खुडे में पानी चला गया। तो बहुत ही बुरे हालात थे, बहुत ही मुश्किल से रात को सारा मैनेज किया, अपने बर्ड्स को सारा ट्रांसफ़र किया नीचे। अभी वो नीचे ही हैं, तो अभी वो ऊपर की सफाई करनी पड़ेगी। ऊपर की सफाई करने के बाद फिर बर्ड्स को ऊपर लेके आऊँगा ताकि उनको जो है ना धूप भी लगवा सकूँ। अभी ये सारा गंद है, इसको सफाई करते हैं। खरगोशों का जो खुड्डा है उसको भी साफ़ करते हैं, ये ऊपर वाले खुड्डे भी साफ़ करते हैं। रात को खरगोशों को हमने ये अंदर बंद कर दिया था, देखें वो अंदर ही हैं अभी। ये शहज़ादा हमारा बिल्कुल ठीक है क्योंकि घर इसका पक्का था, और मुर्गियाँ भी हमारी सेफ रहेंगी क्योंकि इनका भी घर जो है ना वो पक्का था। जो पक्के खुड्डे थे ना वो सेफ रहे हैं, और जो दूसरे थे जैसे कि ये हमने बनाया था, तो भाई इसकी तो धज्जियाँ उड़ गई ना। तो ले जी, छत की जो है वो सारी सफाई मैंने कर ली है, और अपने सारे बर्ड्स को भी मैं ऊपर ले आया हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, सारी सफाई हो गई, वो डंडा मैंने लगा लिया जो बांस टूटा था। अभी सिर्फ ये तरपाल जो है वो रह गई लगाने वाली, ये शाम तक लगा लेंगे हम। बाकी देखें माशाल्लाह जी, हमारे बर्ड सारे जो है वो ऊपर आ चुके हुए हैं, धूप छूप लगवा रहे हैं इनको। मुर्गियाँ बाहर आने के लिए बेताब हैं। खरगोशों का दरवाज़ा मैंने खोल दिया, बट वो कह रहे हैं हम अंदर ही ठीक हैं। शहज़ादा हमारा खुश है यहाँ पर। तो माशाल्लाह सारे बर्ड्स हमारे सेव हैं, और ये हमारी छोटी फौज भी माशाल्लाह से जो है वो सेव है जी। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि रात तूफ़ान आया और सब कुछ निज़ाम इधर से उधर हुआ, इनकी शिफ्टिंग करनी पड़ी, टूट फूट गया, तरपाल टूट गई, बांस टूट गया। बर्ड्स हमारे जो है वो सेव हैं, और मैंने आपको जैसा कि दिखाया है कि बिल्कुल कोई मसला नहीं है उनको। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि वीडियो जैसे अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आगे एक ऐसी एंट्री भी होने वाली है जिसको देखना मत भूलिएगा आप। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।